अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? अल्लाह हमेशा आप सब वो खुश रखे, तंदुरुस्ती उम्र दराजी आफियत की लंबी अता करे और हर इंसान को कमर पर सुकून रखे। आज मैं बना रही हूँ, गांव में शादी को बनाई जाती है सारंग, और इसी सारंग को जब सिर्फ सबवा से ना बनाने वाले हो तो मलिदा बोलते हैं। ये दो तरीके से बनाई जाती है। मलिदे की रेसिपी तो मैंने मोरम महीने में ही डाल दी। अब मैं बना रही हूँ सारंग। आपको शादी में समोसे कैसे बनाते हैं? जो दुल्हन जब जाती है ससुराल तो उसके साथ दिए जाते हैं समोसे और अंगरखे। ये दोनों चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखो आपको कैसी लगी मुझे बताओ। एक गांव की बहुत फेमस चीज है। और सुबह आप जब 5 दिन की दूल्हा दुल्हन आते हैं तो सुबह नाश्ते में आलनी पानी समोसा शव ऐसा दिया जाता है। तो आप भी देखो और अभी के नए दामाद को सबने बना के दो। चलो अच्छे रहो और देखो मैं कैसे बना रही हूँ। एक घेव का आटा है। पहले मेरी दादी माँ घेव पिसवा के लेती थी, मगर अभी थोड़े से घेव कौन पिसवाने जाएगा। तो मैं आटा ली हूँ अच्छे घेव का 450 ग्राम। ये 450 ग्राम 500 ग्राम क्यों नहीं पता है, मैंने इस सब अंदाज से ली हूँ और आपको मालूम करने के लिए इसका वजन क्यों, और वजन आपको बता रही हूँ, मैं सब अंदाज से लेती हूँ। ये 450 ग्राम घेव का आटा है, 350 ग्राम शक्कर है, 150 ग्राम रवा है बारीक सूजी, और ये बादाम पिस्ता चारूला ये सब काटा हुआ है। ये चाहे लो मत लो, इसकी जरूरत नहीं लगती, मगर काटा हुआ है तो मैंने ले लिया, अपना लिया तो भी चलेगा। और ये मनुक है, और ये नमक है, नमक हसबे जायका डालने का, और ये घी है, घी आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये 160 ग्राम है, और ये है इलायची और जायफल का पाउडर। अब ये मैं बनाऊंगी और इसमें कुछ कम ज्यादा हुआ तो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या कम हुआ, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, मैं सब आपको बता रही हूँ। अब उसे भूनने को ले रही हूँ ये आटे को, जिससे पहले मैं शक्कर बारीक करके ले रही हूँ। मैं शक्कर का भी एकदम पाउडर नहीं करती, थोड़ा ठूस ठूसित रखती हूँ। आप चाहे तो एकदम बारीक भी कर सकते हो, वो आपकी टेस्ट के मुताबिक। ये थोड़ा दरदरा रखने से क्या होता है पता है, अपने मुंह को मलीदा चिपकता नहीं, अच्छे से खुशखुशीत लगता है। ये थोड़ी सी मैंने दरदरी रखी हूँ, आप बारीक कर सकते हो। मैं जो खुद करती हूँ वही आपको दिखा रही हूँ, नहीं तो पहले क्या बारीक ही करते थे। कुछ चीजें अपनी दादी माँ से कोई सास से सीखी हुई चीज है, मगर करती हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा दिमाग से जो मुझे लगता है कम ज्यादा करती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ और कुछ मिला लेती हूँ, ऐसी मेरी आदत है। और जो लड़की होती है वो सीख के जाती है अपने मायके से और ससुराल में बना के देती है। ये सब घी डाल रही हूँ, लगा तो मैं डालूंगी। घी थोड़ा गर्म करने रखी, अब घी में पहले डालूंगी अपना रवा 150 ग्राम। जब अपन ठसठसी आटा रवे वाला लाते हैं चक्की से या घर में पिसवाते हैं घर के चक्की से, तो ये रवा डालने की जरूरत नहीं रहती। मगर मैंने अभी क्या ली हूँ, अपनी रोटी का आटा, जिससे मुझे लेना पड़ा रवा। अब ये सब डालूंगी आटा, उसमें सिर्फ दो डाव मारी, यानी 1 मिनट भी उसको भूनी नहीं, अभी अपने आटे के साथ भूना जाएगा। अब इसको बारीक गैस करके भूनूंगी, यानी अपना आटा कच्चा नहीं रहेगा, पक्का हो जाएगा। एकदम बारीक गैस पे भून रही हूँ, भला टाइम लगता है मगर अच्छे से हो जाता है। और भी घी लगा तो मैं डालूंगी, मगर आपको बता के डालूंगी कि कितना डाली। अपना आधा आटा भून के हो गया, अब इसमें डाल रही हूँ ये काटे हुए बादाम काजूगिर नहीं बादाम पिस्ते और चारूले। पता है
आप डायरेक्ट 200 ग्राम घी डालो। हाँ मैं डाल रही हूँ घी, आपके सामने ही डाल रही हूँ, क्योंकि ये जब भीगा भीगा रहता है आटा और अपन शक्कर डालते हैं तो वो सूखा सूखा हो जाता है। एक ऐसा हम रोज नहीं करते, कभी कभार करते हैं शादी वगैरह में, बहुत टेस्टी डिश है। आप करो और देखो। आप पूरा 200 ग्राम डालिए। हाँ हो गया अपना 200 ग्राम घी, यानी एकदम सही हो जाएगा, कम नहीं होगा। जितना अपन अच्छा डालते उतनी कोई भी चीज अच्छी बनती है। अभी से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कि दूध पाउडर भुना जा रहा है। बारीक गैस पे भुनी तो पूरा आधा घंटा लगा, मगर ये अच्छे से भुना गया। अब गैस बंद कर रही हूँ और थोड़ी टाइम इसको हिलाऊंगी, फिर ये गुनगुना होने के बाद मैं आके आपको दिखा रही हूँ। आप करो इंशाल्लाह, जब खाओगे तो मेरी याद करोगे कि आंटी का मलिदा किया हुआ बहुत ही अच्छा है, हमेशा करते रहोगे। इसका तरीका अलग अलग रहता, करते सब मलिदे। और पता है अभी भीगा भीगा लग रहा है ना आटा, तो इसको मैं जैसे ही शक्कर डालूंगी सूखा सूखा हो जाए, इसलिए घी अच्छे से डालो। आपको चाहे तो ड्राई फ्रूट मत डालो। अब 10 मिनट बारीक गैस पे आटा मैंने भूने, और आपको मैंने बताई हूँ कि 200 ग्राम डायरेक्ट घी लो। मैंने 50 ग्राम लिया था, दो बार उसमें 40 ग्राम डाले, 200 ग्राम घी हो गया, जिससे बहुत अच्छा मलिदा बनता है। अब थोड़ी 5 मिनट में अपना सब पूरा हुआ तो मनुक डाल रहे हैं लास्ट टाइम, और ये अपने हिसाब से नमक डालो, हसब जाएगा। हाँ मेरा ये सब लगेगा जो मैंने ली थी चाय की पाव चम्मच से भी थोड़ी ज्यादा। कोई सा हाथ से लेने जैसा आटा हुआ ना, तो फिर इसमें शक्कर मिलाने की, शक्कर इलायची और जायफल पाउडर सब मिलाने का। हाँ बहुत मजेदार मलिदा रहता है। पता है इसी चीज से जब ये समोसे के लिए बनाया जाता है, शादी में समोसे बनाते हैं तो उसको सारन बोलते हैं, और जब मलिदा बना जब खाने के लिए सिर्फ बनाते तो उसको मलिदा बोलते हैं। ये दो तरीके से किया जाता है। इंशाल्लाह अगर हो सका तो इसी से मैं आपको अलग वीडियो करके सारनी समोसा और उसके साथ अंगड़ीखे बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह, नहीं तो फिर दोबारा मैं अलग से करूंगी और वो दिखाऊंगी। हाँ मगर तुम्हें हर चीज़ मैं दिखाऊंगी, क्योंकि इतने प्यारे मेरे बच्चे हैं, उनके लिए करने में भी खुशी रहती है। अभी शक्कर पूरी नहीं बच्चों डालूंगी, हाँ थोड़ी सी बचाऊंगी, बाद में डालूंगी। जब तुम शक्कर डालते हैं ना तो फिर ये सूखा होता है, इसलिए घी अच्छे से डालो, खाने में भी टेस्ट रहता है। अपने सब शक्कर लगेंगे, हाँ यानी अपने हिसाब की शक्कर थी, सिर्फ आपने को घी डालना बना, वो भी कोई कोई कम डालता है तो उसके लिए बस हो गया, क्योंकि कोई हेल्थ दिखाता है तो कम डालता है, मगर हम जब करते हैं तो सब अच्छे से करते हैं, उस वक्त चलता है सब। सब कलाया हम ऊपर से इलायची और जायफल का पाउडर करके अब डाल रही हूँ, आधी चाय की चम्मच। आपको नहीं चाहिए तो नहीं डालो, फिर भी अच्छा ही लगता है। बहुत टेस्टी है, बगैर इलायची डाले हुए भी अच्छा लगता है। सारन हो गई तैयार। इसको जब ऐसे ही खाते तो मलिदा बोलते हैं, और इसके समोसे बनाते हैं जो दूल्हे के लिए शादी में इस्तेमाल होते हैं उसको सारन बोलते हैं, इसको सारन बोल रहे हैं। अब मैं आपको परोस के दिखा रही हूँ, ये देखो। इससे मैं आपको समोसे बना के दिखा रही हूँ इंशाल्लाह। अब मैं समोसे का आटा कला रही हूँ, इससे समोसे भी बनाऊंगी और अंगड़ीखे भी करके दिखाऊंगी आपको। ये आधा किलो मैदा है, ये दही है, ये नमक है, ये रवा है,
तीन टेबल स्पून जिसको मैंने भिगने डाली हूँ एक 5-10 मिनट के लिए, और ये घी है, ये पानी है, और ये एक अंडा है। अब जो भी मैं लूंगी आपको दिखा के ले रही हूँ। हाँ, ये नमक जाएगा, नमक जैसा अपन रोटी में डालते हैं ना इस हिसाब से, उससे जरा कम डालो। इसमें दही जाएगा 1 टेबल स्पून, अच्छा वाला मीठा दही लेने का। इसमें घी जाएगा 2 टेबल स्पून, दो टेबल स्पून भर के मैंने घी ली। घी आप कौन सा भी ले सकते हो। अब सब इसको एक जग कर लूंगी, इसको मैंने सब मालिश किया। ये देखो ऐसे लोनी जैसा हो गया उसका, अच्छे से मालिश करने का। अब इसमें जा रही है भीगी हुई अपनी रवा यानी सूजी, इसको एक साथ करूंगी। और टेबल स्पून भर भर के ली हूं, नहीं तो आप तीसरा भी ले सकते हो अगर खाली खाली हो तो। अब इसमें मैदा जा रहा है अपना सब। थोड़ा मैं अब इसको एक साथ मिलाऊंगी, फिर लगेगा उतना पानी लूंगी। रख रही थी इसको, बोल रही थी कि थोड़ा मैं निकाल रही हूँ बेलने के लिए, मगर बेटी बोली मत बेलने के लिए, अपने पास मैदा दूसरा लाया हुआ है। ये पूरा 1/2 किलो मैंने मैदा ली हूँ, इसमें कम नहीं क्यों, बेलने को भी मैं दूसरा लेने वाली इसमें से नहीं लूंगी। तीसरा भी टेबल स्पून भर के ली घी का, क्योंकि मुझे हाथ में थोड़ा कम लगा, तो डायरेक्ट आप 3 ही टेबल स्पून लो। हाँ, अब इसमें जितना पानी लगेगा उतना डालूंगी। अपन रोटी का आटा कैसा मलते है ऐसा मल लेता। अच्छे से मालिश किया, अब इसको 10 मिनट रेस्ट करूंगी और फिर उसके गोले बना के आपके दिखा दूंगी। ये आंगड़ी खिले के लिए मैंने शक्कर पीस ली हूँ, और इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच इलायची और जायफल का पाउडर। अब इसको मिला लूंगी शक्कर के साथ, आगे जैसा करूंगी वैसा मैं आपको दिखाऊंगी। और एक गोले 10 मिनट उसको रेस्ट को रखी, और उसको ये गोले करके रखी हूँ, अब मैं बेल के आपको बता रही हूँ। अब इसको बेल रही हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको कितना पतला कितना मोटा हो। इस तरीके से बेलने की रोटी से भी पतली। हाँ, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे। गांव में इसके लिए माशाल्लाह कोकर में बहुत इत्तेफाक है, बहुत से औरतें आड़ोस पड़ोस की जमा होते हैं और ये समोसे बनाते हैं। कोई गोले करता है तो कोई बेलता है, तो कोई समोसे को मोड़ता है, तो कोई तलता है, बहुत मजा आती है। ये शादी में हमेशा होते है, आप जैसा आपको कम ज्यादा लगे वैसे अंदर भरने का। हाँ, ये समोसे की सारंग है, इसको सिर्फ खाने को किया तो मलिदा बोलते हैं, अब समोसे बनाने तो उसको सारंग बोलते हैं। ये हमारी कोकण के लोगों की भाषा है। इससे भी कम इससे भी ज्यादा आप भर सकते हो, मैं इतना ही भर रही हूँ, आपको जैसा लगे वैसा करो। और ये मैं पूरा धोधा के अच्छे से लेती हूँ। हाँ, जब भी कोई काम निकलता है पहले धो के लेती हूँ, पूछ के लेती हूँ। अब इसको पानी का बर्श लगा रही हूँ। पहले गांव में कपास बनते थे लकड़ी को, और उसको घुमाते थे ऐसे। ये देखिए, ये पहला मोरा है अपना, अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा, अभी ये तीसरा हो गया अपना समोसा। देखिए, आप इसको जमा करते थे ट्रे में, बड़े खोंचे में, फिर उसमें ढक्कन डाल के रखते थे क्योंकि सूखे ना। मैं अब एक एक आपको दिखा रही हूँ करके, आप देख लो। अब दूसरे समोसे का गोला ली हूँ बेलने को, वो भी वैसा करूंगी, आपको मोड़ते वक्त और एक दिखाऊंगी, फिर अंगलिके का दिखाऊंगी। बस के हो गया,
गया अपना समोसा, सब मिटाने का, कुछ भी खुला नहीं रखने का, हाँ नहीं तो सालन बाहर आ जाती है। तेल गर्म होने के बाद अपना समोसा आराम से ऐसा डालने का। पता है ये आप चाहे तो पूरा तेल ले सकते हो, चाहे तो पूरा घी ले सकते हो, मगर मैंने तेल और घी मिक्स ली हूँ, तेल भी ली हूँ और घी भी ली हूँ, दोनों चीजें ली हूँ। देखो अपना समोसा पक्का हो गया, हाँ ये ऐसे थोड़ा कलर आया ना, हो गया पक्का, माशाल्लाह बहुत फुसफुसी, बहुत टेस्टी। ये मेरी जहेज की काई ले, मेरी माँ ने दी ली। मेरी बेटी ने जब पहला रमजान पकड़ा था तो मेरी बहन है, उन्होंने समोसे पूरे दो गांव को बांटे थे खुशी में। अल्लाह सबकी बहनों को आबाद रखे और अल्लाह सबके बहनों में इत्तिफाक और मोहब्बत दे परवरदिगार। समोसे के गोले हैं जो छोटे हैं और अंगड़ी के मैंने थोड़े बड़े किए, इसमें से एक गोला तोड़ दिया और इस पर लगा दी बड़े बड़े, क्योंकि ये जरा मोटा पान रखा जाता है। ये देखो ये समोसे के पत्ते से थोड़ा मोटा, इसलिए गोला थोड़ा बड़ा ली। अकेली कर रही हूँ, अकेली दे रही, इसलिए टाइम हो रहा है, नहीं तो ये गांव में सब एक साथ जमा होते हैं, अच्छे से जल्दी जल्दी सब हो जाता है। मेरे अब्बा तो बहुत पसंद करते थे इन चीजों को। इसी इतना ही तल के नहीं, पक्का हो गया, हाँ नहीं तो फिर अपना टूट जाएगा मूर्ति। देखे एक अंगुली का, इसमें अभी शक्कर, जो शक्कर में मैंने मिलाया था इलायची और जायफल का पाउडर, जितना मीठा चाहिए उतना शक्कर अंदर डालने का, कम लगे तो कम डालने का, ज्यादा लगे ज्यादा डालने का। कभी बच्चों को सुबह रोटी भूनते हो तो ऐसे ताजे घी में अच्छे से एक रोटी भूनने की, ऐसे शक्कर बारीक करके रखने की और इसको गर्म गर्म ही मोड़ते हैं। देखे बिस्सी में हो गए अपना उंगली खा, ये देखो ये अंगली का पत्ता दे रही हूँ। ये अंगली का पत्ता, इसको थोड़ा मोटा रखती हूँ। मैं दो दो दोनों करके दिखा रही हूँ आपको, बस अब एडो टेस्ट करके जो बाद में मैं करूंगी। इसी टाइम निकालने का, मेरी दिशात बहन है, उसने हमेशा मेरे बच्चों को माँ जैसा प्यार दिया, इसलिए मेरे बच्चे भी उसको माँ ही समझते। इतने तकलीफ से उसने, मैं भी नहीं गई और उसने इतने समोसे बनाए, मापरल के गांव को, चिमाव के गांव को, पंदीरी महार सब इधर भेजे, अल्लाह उसे जजाए खैर दे। ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा हो गए दो अंगुली के अपने। अभी थोड़े टाइम के बाद थोड़े से कड़क होते, इतने नरम नहीं रहते समोसे, ऐसे ही रहेंगे।
अपने समोसे अंगलिखे हो गए। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताओ। कोशिश तो हर चीज की अभी अल्लाह देने वाला है, उसके साथ साथ आपका साथ भी चाहे कि चैनल आगे जाए और अपने देने में मदद करे। अल्लाह तो हर तरीके से मदद करता है, मगर इंसान को भी रखा है कि कुछ जदोजहद, कुछ अपनी तरफ से मेहनत करे और किसी के काम आए। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबों को जजाए खैर। चैनल को आगे करो, देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। जजाए खैर, अच्छे रहो, खुश रहो, अल्लाह पर खुशियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।